के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर पत्र भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बार 27 से 31 जनवरी के बीच का समय तय किया गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष में उबाल है। तो विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुख्यमंत्री ने ईडी को सहयोग नहीं किया होगा, इसलिए फिर से समन जारी किया गया होगा। हेमंत सोरेन को फिर से ईडी के समन दिए जाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि ईडी की कार्रवाई जिस उद्देश्य से हुई थी वो पूरी नहीं हो पाई। ईडी भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रही है। वहीं कांग्रेस ने फिर से समन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। ईडी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसमें है कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा और आप लोग बोलते हैं कि पूछताछ करेंगे। सीएम को पूछताछ का चीज होता है क्या? और ईडी का उस दिन का जो कार्रवाई था जिस उद्देश्य के साथ हुआ अब वो पूरा नहीं हो पाए। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और जिस तरह से मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, महागठबंधन की सरकार को परेशान किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इनकी राजनीतिक षड्यंत्र है। अमित शाह के इशारे पे और बीजेपी की ये बी टीम ईडी बन चुकी है। चूँकि अभी कुछ दिन पहले ही सवाल और जवाब और दिए हैं आपके मुख्यमंत्री और वो बोले भी जितने भी सवाल करने आप कर लीजिए, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया और परेशान करने के लिए जस्ट अभी किए और अभी जस्ट फिर बोल रहे हैं कि करना है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है और सरकार को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की साजिश चल रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता की माने तो केंद्रीय जाँच एजेंसी अपना काम कर रही है। पिछली पूछताछ में मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी को पूरी जानकारी नहीं दी थी और पूछताछ में पूरा सहयोग नहीं किया था। अब अगर इन्हें लगता है कि यह भाजपा की साजिश है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। देखिए, उस दिन ईडी और मुख्यमंत्री के बीच क्या ट्रांसपायर हुआ, क्या पूछताछ हुई है तो ईडी ही बता सकते हैं, मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनके और उनके समर्थक बता रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करना भी एक अपराध है। तो उनके नेता बता रहे हैं तो ये एक अपराधी है। और हमारा मानना है कि जैसे मीडिया में खबरें आई, कोई हमारे पास पुष्ट खबरें नहीं है कि मुख्यमंत्री अधिकांश प्रश्नों को टालते रहे, किसी का सीधा जवाब नहीं दिया, किसी का बोले कि दस्तावेज देखकर बताएंगे, किसी पर कहा कि हमें याद नहीं, ये सारी मीडिया में आई खबरों के आधार पर हम कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति 7 समन तक भागता रहा, 8वें समन में किसी राजवंशी राजकुमार की तरह अपने घर पर ईडी को उन्होंने बुलाया और ये भी नहीं कि ईडी दफ्तर गए और जो स्थितियाँ पैदा हुई उसके घर के बाहर 144 धारा का उल्लंघन खुद मुख्यमंत्री ने किया। मुझे लगता है कि जो नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये पंक्तियां दिनकर की बिल्कुल अब उपयुक्त सिद्ध हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री पर। बहरहाल मुख्यमंत्री को फिर से ईडी के समन के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आलम ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुट गया है। लाइव 7 के लिए रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन को फिर से